आज मैं हूँ अपनी ससुराल मुंडाल में और मेरे साथ हैं मुख्तार जी। मुख्तार जी की मुंडाल में चाय की दुकान होती थी 1964 में, और उनकी चाय की दुकान पे एक दिन एक व्यक्ति आकर रुके जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। उनके बाद इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल गई और बहुत रोचक कहानी है ये कहानी। एक बड़े आदमी की एक सामान्य आदमी के साथ दोस्ती की मिसाल भी है, और हम मुख्तार जी से पूछेंगे कि उनकी मुलाकात कैसे हुई और उसके बाद इनकी ज़िंदगी कैसे बदली। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। चंडीगढ़ चीफ मिनिस्टर बनने के बाद वहाँ गया, मोरनी हिल में थे ये जी। वहाँ मैं दूर से देखा, वहाँ पुलिस वाले जाने नहीं दे रहे थे। तो वहाँ जाली से देख के उन मेरे को कहा इनको आने दो। अच्छा, अंदर से ही देख के? अंदर से आवाज़ दी पुलिस वाले को, मुख्तार नाई को अंदर आने दो। वहाँ बुलाया, मैं पैरों का हाथ लगाया मैंने, माँ जी नौकरी नौकरी न ले, नौकरी क्या, नौकरी लगाने वाला ही लगाऊंगा तेरे को। तो छोटा साहब ने कहा, देवीलाल जी, देवीलाल जी। अच्छा जी, वो शाम को उन्होंने मेरे को दो तीन पद दिए। उसी दिन आनंदांगी को भी चेयरमैन बनाया था। अच्छा। हाँ, उसी दिन चेयरमैन बनाया था। उसके बाद आते रहे, वो चीफ मिनिस्टर हो चाहे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हो। एक बार की बात है, एक एक्शन होता था, ये बंसीलाल ने नई नहर बनवाई थी, सुंदरबांस नहीं या दूसरी थी एक, या ये चौड़ी नहर और बनाई इसके साथ में। तो वहाँ मेरे पास एक्शन SDO बैठा करते, नहर खुदवा करते, बंसीलाल की सरकार थी। अच्छा। तो देवीलाल बैठ जा रहे, वो दूसरी साइड में चाय पीते, वो देख क्या करते, ये बुढ़ा कौन है, कि है ये चौधरी देवीलाल, वो इग्नोर किया करते। चीफ मिनिस्टर बनते वो मेरे पास आया, ठुकराल नाम का था एक्शन, बोले यार मुख्तार मेरा तबादला कर दिया, वहाँ दूर कर दिया कहीं। दूर कर दिया, उसमें बाखड़ा डांगल पर डैम पर इरीगेशन का था, तबादला करा लो। मैंने भी गाड़ी ले ली थी उन दिन। अच्छा। वो आगे तीन चार आदमी, मैं दिल्ली गया। अब तो गाड़ी आ गई थी, गाड़ी ले ली मैंने उसी टाइम। अच्छा। अपनी गाड़ी ले ली थी, और उधर और आगे बताऊंगा। तो मैं गाड़ी लेके उसका तबादला कराने के लिए दिल्ली गया। अच्छा। वो साहब भी बैठे थे, एक्शन था, SDO था, एक और जी, मेरी गाड़ी अपनी थी। और रुकते ही पता चला भाई CM साहब तो इशार जा रहे हैं। अच्छा, दिल्ली पहुँचे आप? हम दिल्ली हरियाणा भवन में ऊपर चढ़ने के पेड़ियों में से ऊपर क्रॉस किया, सेकंड फ्लोर पर CM सूट है जी। तो वहाँ मिलने के लिए मैंने पहले हुआ था, मैं नमस्ते बोला, आ गया वहाँ, आ गया लोग आने लगे काम के लिए, माँ आने लगे, बोला तो उधर होगी माँ होगी, बोला ठीक है, बोला कैसे याद आ, मुझे काम था, बोला आ जा, खूब आदर के गाड़ी में बैठा लिया। वो अफसर वहीं देखते रह गए, और ठुकराल और SPO उनके नाम मेरे ध्यान नहीं, वो से भाई फेसर रोजाना दुकान पर बैठते थे उस टाइम, तो आपकी हाजिरी मान लग गई सर? ना ना, हाजिरी नहीं, वो से वो तो पहले ही हिसाब दिया करते, वहाँ और दुकान नहीं। अच्छा अच्छा। तो कहने लगे, बोला तो मैं बोला चलो, मेरे को तो एयरपोर्ट पर ले गए गाड़ी, जहाज में बैठा के इशार लिया है। अच्छा। वो मेरे साथ ओड़े, वहाँ गाड़ी आपकी ओड़े, वहाँ गाड़ी भी हाथ में, चाबी मेरे, गाड़ी भी नहीं ला सकते। अच्छा। तो जहाज उसमें बैठे थे, पांच सात आदमियों का वो हेलीकॉप्टर था, पता नहीं जहाज, मैंने तो कभी देखा नहीं। मैं बोला जी मैं तो काम आया था, एक सिगरेट की डिब्बी होती थी कमांडर की हरी, और वही क्लो से खाली होती, ऊपर होती थी वो ग्रीन, उसके ऊपर मैंने उसका नाम और एड्रेस लिख रखा था। मुझे तो बदला आ गया, सो देवलाल ने पढ़ा, नोला भाई तो सो टेकराम ने कराया है। अच्छा। ये तो मैं रोक दूंगा, फिर टेकराम से मिल लेना, वो खुश होगा तो रोक देंगे, एक बार तो मैं रोक दूंगा तो आया है, फिर वो उससे बहस कर लेगा भाई मेरे से कोई गलती है या कोई किस तरह मेरे को बदला है। अच्छा अच्छा, मिल लेंगे। हाँ, तो इशार उतर से EDC साहब को कहा, इनको मुंडाल भेजो। अच्छा। DC साहब की गाड़ी का फ्लैग बंद करके मेरे को मुंडाल छोड़ के गई, और मैं यहाँ से बस में चढ़ के फिर दोबारा दिल्ली गया, वहाँ से गाड़ी ले गया। इतना वो कौन था कि यार गाड़ी दिल्ली तक ले चलो, पता ही नहीं था, मैंने जहाज पहली दफा देखा था। अच्छा अच्छा। उसके बाद तो सारे परिवार से लगाव होता चला गया, चुटाला साहब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी मेरे को तीन में। अच्छा, जैसे चौधरी देवीलाल के पास जाते थे तो ये आपको ये भी मिले वहाँ पे, ओम प्रकाश चुटाला जी, रणजीत जी, इनसे? रणजीत थे मंत्री थे एक बार, भाई एक बार मेरा एक समधी बैंक में था, उसका ट्रांसफर चंडीगढ़ कर दिया था, बंसीलाल का लगाया हुआ था, और ये सारे जो
पार्टी के हिसाब से होते हैं, दूध वाली जगह बैठे हो, खाने पीने वाली जगह, बैंक मैनेजर था उसको यहाँ से भिवाड़ी से हटा के चंडीगढ़ लगा दिया हेड ऑफिस में। तो कांग्रेसी कल्चर था, मैं भी कम बात करा था मेरे समझी से, भाई कांग्रेस वाले हैं हम कोई नहीं। तो आ गया मेरे पास नोले, 3 किलो का कुर्ता पहरा मेरा तबादला करा दे। मैं चौधरी रणजीत सिंह के पास गया, सहकारिता मंत्री थे मोहला कद बदल दे, बोला तो कांग्रेस ही है मामा। फिर चौधरी देवलाल जिया ने फोन पर कहा, बोले इसका समझी है कांग्रेस ही कैसे रहेगा आई वे, इसको वहाँ बदल दो जहाँ ठीक हो, ये ठीक समझता हो उसको पूछ लो, भिवानी भिवानी नहीं उसकी च्वाइस का स्टेशन दे दो, मुख्तार का समझिए तो क्या बात हुई। तो इसलिए वो बहुत वो करते मेरे को डायरेक्टर बना दिया। मैं तो देवलाल को कहने लगा, मैं तो हम मैं तो चाय की दुकान पर अच्छा था, अच्छा नहीं है क्या बात, माँ जी 4,000 रुपये मैंने मिले हैं 3 महीने में, 4,000 के कुर्ते पजामे हमारे लिए, मेरा बचत तो कोई नहीं। उन्होंने उसी टाइम MD को बुलाया, बोले रहे वो जेसी कौर MD होते थे, अच्छा जेसी कौर से मेरी पहले भी मुलाकात थी। जेसी कौर ने क्या था, जेसी कौर MD पहले भी थे, तो उसने भिवानी टूर पाए ना जेसी कौर, तो उन दिनों उन्होंने बैंक का विजिट किया ना जी, तो ये शिव कुमार है ना, शिव कुमार अग्रवाल भिवानी वाला, ये बैंक में DC रेट पर लगाया हुआ था, अच्छा, और जेसी कौर मीटिंग ले रहे थे, तो उसका ध्यान गया जेसी कौर का मीटिंग लेते हुए और नावल पढ़ रहा था मीटिंग में। हाँ, उन्होंने उसको स्टैंड अप कराया, उस पर टेबल पर खड़ा करके नोला सॉरी फील कर, मैं तो मीटिंग ले रहा हूँ चंडीगढ़ से हेड नावल पढ़ रहा है, उस नाना कहानी की करके निकल गया, उनको सस्पेंड कर दिया। वो सुरेंद्र के काफ़ी नज़दीक था, शिव कुमार जी, बाबू शिव कुमार जी जो बाद में एक्सपायर हुए, वो सिगरेट पीते थे लंबी वाली, पीते थे, मैं खूब जानता हूँ शिव कुमार को, राम प्रताप को, इनको सारे चैन स्मोकर थे, चैन स्मोकर थे। उन्होंने बंसीलाल ने जाते उसको सस्पेंड कर दिया, वो 8 साल सस्पेंड रहे कंवर जी, हाँ जैसी कंवर, केवल इसलिए कि वो नावल पढ़ रहा था, उसको सस्पेंड कर दिया, यही बात, अच्छा। उनका घर का राज था शिव कुमार का, उससे सुरेंद्र के साथ तो खास दोस्ती थी उनकी, राम प्रताप की, इसकी एक और दलेल सिंह एडवोकेट थे, तीन चारों की बहुत वो थी। उसके बाद जी जैसी कौर को बुलाया, बोले मुख्तार, तो वो चौधरी देवीलाल ने बाल करे आके, फिर उन्होंने आते ही 2 महीक में MD लगा दिया, अच्छा, और को बैंक का भी लैंड मॉर्गेज का उनको आने के बाद। तो जी बोले क्यों वो कर रहा तू, क्या को नहीं मिलता तने, अच्छा, मोहल्ला 4,000 रुपया हम गुजारा, कपड़े कुर्ते पजामे सफेद रखने पड़े, हर तो वायर गाड़ी ले रहा मैं तेल को नहीं पूरा होता। मेरे को तो उसी दिन से सिलेक्शन कमेटी में प्रत्येक कमेटी एडमिनिस्ट्रेटर कमेटी 3 कमेटियाँ का मेंबर बनाए थे, अच्छा, उन्होंने हाँ चौधरी देवलाल, अरे एक मेरी गाड़ी को अप्रूव दे दी, लाल बत्ती लगाओ भाई, अच्छा, लाल बत्ती लगा दी, ऊट लगा दिया, कहीं जाओगे आप लाल बत्ती में आ गए आप सीधे, हाँ लाल बत्ती में आ गए। उसके बाद जहाँ भी मैं जाऊँ गाड़ी लेके, एक बात उन कौर साहब ने कह दी थी, भाई कैश मत चेक करना कभी भी बैंक में, अच्छा, फंस जाओगे, हर कहीं कोई अपसेंट हो ना उसकी अपसेंट करके मेरे को इतला दे दो, उसको मैं सस्पेंड कर दूंगा और आपकी हवा बनती रहेगी, जहाँ तक तेरी गाड़ी जाएगी किलोमीटर मिलेंगे आपको, उन दिनों 5 रुपये किलोमीटर का रेट था, अच्छा, वो सरकारी कर दिया आपका, सरकारी कर दिया, खाने पीने की व्यवस्था मेरी बैंक की तरफ से, रेस्ट हाउस मेरे लिए अवेलेबल था, मांगेराम एक चेयरमैन था, सही वाला चेयरमैन बन गए फिर, मांगेराम भादरगढ़ से विधायक था, उसको चेयरमैन बना दिया था। उसकी कुछ लूप और बातें थी, उन्होंने क्या क्या, नई सरकार बनी थी, वो फ्रिज कूलर नए रखे थे, वो मांगेराम कुछ लालची आदमी था, उसने खा गए, उसने वो घर से ले आके पुराने टेक दिए, मैंने उसे देवलाल को बता दिया कि भाई पुराने टेके बैंक का, मैं इसने घर से ले आके टेके दिए, रिप्लेस करा दिए, बदल दिए, उससे तो देवलाल बड़े खुश हुए,
ऐसे आदमी है, विधायक है तो नॉर्मल आदमी है। वो कहाँ के विधायक थे? बादलगढ़ से। बादलगढ़ से। उससे नाराज हो गए देवलाल ने, वो रेस्ट हाउस मेरे को पूरा ही दे दिया। अच्छा, रेस्ट हाउस में रहकर। कौन से वाला था वहाँ? उसका बैंक का उसके भी इंचार्ज बना दिया। मेरे को एक कमरा डायरेक्टर का रिजर्व होता है। अच्छा, मेरे को सारा ही दे दिया। सर्वेंट आते थे वहाँ, होते थे फोर्थ क्लास। मैं उनको कभी कोई चाय मंगाई, मैंने 20 रुपए की चाय बाहर से बना के ले आया, वहाँ से मैंने 100 का नोट दे दिया, तो वापिस नहीं लिया मैं। अच्छा अच्छा। कपड़े धोने की होते या प्रेस करने की, मेरे को पूरी इज्जत करते। हम 3 विधायक बनाए थे जी, एक मेरे को BC से, एक जनरल से पालाराम बीबीपुर का था, एक SC का जुंडले से नफे सिंह था। अच्छा। वो 2 बार विधायक रहा। अच्छा। हमारे को 2-2 आदमी लगाने के लिए तो देवलाल ने कह दिया, अरे तुम बोले सूखे मरो हो, 2-2 आदमी आप भी लगा लो बैंक में वैकेंसियाँ निकाल के। अच्छा। मेरे को भी पूरी तौर दे दी, आप सिलेक्शन कमेटी में आप इंटरव्यू ले सकोगे। अच्छा। मैंने घूमने वाली कुर्सी बैठा दी, तो देवलाल ने जैसी कौर ने मेरा इंटरव्यू लिया, भाई आप इंटरव्यू ले सकते हैं कि मैं क्यों नहीं ले सकता? जैसी कौर ने बोला ले के देखा। मैं जैसी कौर बोला ले के देखा, मैं बोला उठो कुर्सी है, मैंने बैठने दो इस पर, आप वाली कुर्सी बैठ के लूँगा। वो जस्ट वो कैंडिडेट की तरह आगे पूरी हवा हो गई है। जैसी कौर का इंटरव्यू लिया आपने? मैंने एक ही क्वेश्चन किया था जैसी कौर से, व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? उन्होंने ग्रेजुएट। मैं कौन से सब्जेक्ट के की है आपसे? BCom BA आर्ट से करिए तो क्यों की है? इसमें बैंक में तो कॉमर्स होगा चलेगी भाई। इस बात से वो हैरान हो गए, बोले ये तो काफ़ी वो है, इंटेलिजेंट है। उसके बाद मेरे को एक आप पढ़ाई लिखाई तो आपने भी ठीक ठाक कर रखी थी। हाँ ठीक, मैट्रिक पास पंजाब यूनिवर्सिटी से। उसके बाद लाए भी थे BA की डिग्री भी वहाँ भोपाल से, कोई खास 2,500 में पेपर दे के हो जाती थी उन दिन। अच्छा। BA भी लेके आए? हाँ, BA भी लाए, चेयरमैन बनाया। अच्छा अच्छा। तो उनके साथ बहुत हो रहा है मेरा, बहुत ही। चौधरी देवलाल जैसा कोई नहीं हो सकता। चौधरी देवलाल की, ओम जी की, चुटाला साहब की मदर गुजर गई, सुबह सुबह आ गई। बोला के बात? बोला नाश हो गया। मैं के बात? बोला ओम की माँ गुजर गई। कौन आ गए? चौधरी देवलाल आ गए। अच्छा। मैं ओम की माँ गुजर गई, ओम कहा करते चुटाला साहब को। मैं कित है? बोले पास एम्बुलेंस में आवा, चाह बना ली इतने। मैं चाय बना के पिला दी, डेड बॉडी एम्बुलेंस में थी। बोला मैं भी चलूँगा। मैं गाड़ी में बैठ गया चौधरी देवलाल के साथ, तो मैं सिगरेट पिया करता हूँ। मैंने कुछ कागज़ थे, मैं गाड़ी में बैठा, पीछे मेरी गाड़ी भी, मैंने कह दिया छोटा बेटा था मेरा, मैं चल तू पीछे आ जा। एक तन की नंबरदार था, उसको भी बिठा लिया साथ में। मैं एक तन दो बोले, तुम गाड़ी लेके पीछे पीछे आ जा। सर से जाके बोले रास्ते में गाड़ी में तो देवलाल ने हाथ लगा जेब का, क्या कर रहा है, क्या ले रहा है? मैं कुछ नहीं, कागज हैं। बोला ना सिगरेट की डिब्बी है? मां हाँ जी सिगरेट है। पी ले फिर। बोले क्यों, कई देर होगी तेरे तेरी के बहुत उम्र रही है। मां ना जी। तो ऐसे आदमी थे उनकी तो आज भी कहानी। माँ सर से उसने कहा, बोले छोटा सा बच्चा गाड़ी ले आया, कहीं एक्सीडेंट कर दिया। तेन पता कह दे, नहीं ओके भरने पड़ेंगे। मैं शमशान घाट में हुआ, चला गाड़ी वो सर से वापिस नंबरदार बेटा ले आए। अच्छा। सर से एक वो टूरिज्म में था मैनेजर मदनड़ी का कोई पुनिया, वो भी जानता था मेरे को। बोला मुख्तार ये सारे अफसर आ रहे हैं, कल डेड बॉडी के और भी आदमी आ रहे हैं, इनको जूस दास चाय चूहे खाना खुना खिला दे, इनका के दर्द दर्द है तो अपना है। ये बेचारे परेशान होंगे, पता नहीं किस टाइम दाग आएगा, इनको खाना खुना तो संभाले, मेरा कहने से खाएंगे नहीं। तो आपने संभाला? मैंने संभाला अपना, पैसे देने के लिए उन्होंने पैसे मेरे को दिए थे, देवलाल कर दिए साहब। लेकिन उसने मैनेजर ने बोला सरकारी खाता माफ कर दूँ, रहने मैंने वापिस दे दिए पैसे। पुनिया था एक मदनड़ी का। अच्छा अच्छा। मैनेजर था वो, शायद रिटायर हो गया होगा, बड़े दिन की बात होगी। लेकिन मैं शमशान घाट में आखिरी तक रहा हूँ, डेड बॉडी के पास 3 किलोमीटर पर शमशान घाट है इनका।
चौधरी देवलाल ने गाड़ी भेज के फिर मेरे को बुलाया, मुख्तार वहीं है रे, दूसरे शमशान घाट में आदमी डर जाता है। दूसरा तो भक्त है ना, सही भक्त है उनके। चौधरी देवलाल गुजरे, रात को मैंने पता चल गया, मैं 4 बजे ही वहाँ पहुँच गया दिल्ली। वहाँ मैं बैठा हूँ डेड बॉडी पर, उसी के साथ उसके बड़ी व्हीकल में जो लेके गए ना दिल्ली में, उसी गाड़ी के ऊपर बैठ के गया हूँ मैं डेड बॉडी पर। अच्छा अच्छा, 4 बजे वहाँ पहुँच गया था मैं, पता तो बड़े रोए होगे उस समय। और रोए क्यों नहीं।